नमस्कार, मैं माधवी सिंह, मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मटर पनीर बनाना बताऊंगी। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैं ऐसे टुकड़ों में काट लिया हमने। और हमने ये लिया है 200 ग्राम ही मटर है, ये फ्रेश मटर है, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैन चढ़ाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे या आप बटर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब इसमें ये पनीर को हम फ्राई कर लेंगे, इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आप भी फ्राई कर सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस ऐसे थोड़ा सा इस तरह। अब ये फ्राई हो गया है, इसे मैं निकाल लूँगी। पनीर को हम थोड़े से गर्म पानी में और डाल देंगे, इसलिए गर्म पानी में डालेंगे जिससे ये एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। इसलिए हम एकदम गर्म, तेज गर्म नहीं, कुनकुना से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से, और ऐसे ही डाला रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो जिस पैन में हमने पनीर फ्राई किया था उसी में हम ये मटर फ्राई कर लेंगे। और ये मटर फ्राई करने में पीसता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ढक्कन ऐसे लगा देंगे। अब ये मटर देखिए फ्राई हो रही है, लेकिन इसको ढक्कन थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे, नहीं तो ये जलने का डर रहता है। और इसे आप बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा फ्राई करके बनाती हूँ तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब ये मटर फ्राई हो गई है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। अब इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अब इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने दो बड़े प्याज इस तरह से काट के रखे थे, उसे डाल देंगे। और ये कच्चा नारियल मेरे पास रखा था तो मैं थोड़ा सा ये डाल दूंगी, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं। और जो सामान हमारे पास घर में रहता है बस मैं उसी से बना रही हूँ। और ये डाल देंगे हम 8-10 लहसुन, और ये 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये मिर्ची को भी मैं ऐसे 2-2 पीसेस में काट लूँगी, 4 मैंने मिर्ची ली है। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे, भून लेंगे मतलब। अब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है इधर। अब क्या करेंगे कि इसमें दो हमने बड़े साइज के टमाटर इस तरह से काट के और इसमें डाल देंगे। और इसे भी इसके साथ टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हम ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। अब ये देखिए टमाटर गल गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और पीस लेंगे। अब मैं गैस पे एक पैन चढ़ाऊंगी और उसमें ऑयल डाल दूंगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये तेज पत्ता 2, थोड़ा सा ये पत्थर फूल, 5-6 हमने लौंग ली है, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये थोड़ा सा जावित्री और काली मिर्च। अब इसे हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और हमारे पास जो घर पे सामान है मैं उसी से ही बना रही हूँ सब। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच ये धनिया पाउडर, अभी फ्लेम को स्लो में रखेंगे। और डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। भून जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और भून जाएंगे। जो हमने ये प्याज अदरक लहसुन ये सब पीस के रखा था वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी हम भून लेंगे।
अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसे भी भून लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर भूनने देंगे इसे। अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। अब ये मसाला भी भुन गया है, ये देखिए ऑयल रिलीज होने लगा है। अच्छे अच्छी खुशबू भी आ रही है और मसाला भुन भी गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि मटर जो हमने फ्राई करके रखी है वो डाल देंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा गरम पानी। देखिए कितना बढ़िया मसाला भुना, एकदम कलर भी चेंज हो गया। और मटर वैसे तो पके हुए हैं लेकिन थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हमने पहले डाला था टमाटर प्याज में, तो आप देख के ही डालिएगा, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा हो जाए, फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और ये देखिए, ये हमने पनीर को गर्म पानी में डाल के रखा था तो कितने सॉफ्ट रेड हो गया। अब पनीर भी डाल देंगे। अब इसे अब हाँ भी हमने इस कंसिस्टेंसी में रखा है, ये पकेगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और फिर आपको जैसा चाहिए हो आप उस हिसाब से पानी डालिए। हम ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि एकदम मटर पनीर सब मिक्स हो जाए मसाले में। और इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है मटर पनीर। और दूसरी बात क्या है, जो अपने पास सामान रहता है उसी से हो जाता है। इसमें ना हमने काजू डाला है और ना ही मावा डाला है और ना ही मखाने डाले हैं। बस अब हम इसे ढक्कन लगा के और 4-5 मिनट तक ऐसे स्लो फ्लेम में पकने देंगे। अब ये मैं खोल के देखती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी सब्जी हो गई है। हम गैस को कर देंगे बंद। अभी हमारी इस कंसिस्टेंसी में हमने सब्जी बनाई है। ये आप चावल से भी खा सकते हैं और चपाती से भी, पूड़ी से, पराठे से, जिससे भी आपको खानी है। अब इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे जिससे हमारा जो इसका रोगन है वो ऊपर आ जाएगा। अब इसे हम देखते हैं। अब ये देखिए हमारी मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अब आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, पूड़ी के साथ, जिससे भी आपको खाना हो आप खाइए, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।